डिलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता है। आज हम शहर कराची में मौजूद हैं, यहाँ पे सानिया जड़ावाले के हवाले से जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है आज एहतजाज कर रही है। तो जैसे जैसे एहतजाज का दायरागार वैसी होता रहेगा, हम ज़रूर अपने नाजरीन को हकायक से आगाह करते चलेंगे। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो एहतजाज करने का जो मकसद है, पास्टर विक्की जो फैसलाबाद जड़ावाला से हैं, उन पे जो पंजाब पुलिस ने जो जुल्म सितम ढाए उसके हवाले से ये क्रिश्चियन कम्युनिटी आज सड़कों पे सरापा एहतजाज है और ये इंसाफ तलाश कर रही है। आइए ज़रूर देखेंगे कि पाकिस्तान में अकलियतों को, मसीहों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। देखते रहिए विद लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी अजीज बहन गजाला शफीक के साथ के जिन्होंने पाकिस्तान के जब तमाम मसीही लीडर, सो कॉल्ड लीडर, फैसलाबाद और पंजाब के लीडर, बिशप, फादर्स और दीगर लोग खामोश थे कि मसीहियों के खिलाफ ये जो नस्ल परस्ती का रवैया है इसका जायजा लिया जाए। वजीर आजम ने कल अमेरिका से वापसी पर कहा कि हम बैरूनी लोगों को जिम्मेदार जवाब दे नहीं है। अगर आप बैरूनी लोगों को जवाब दे नहीं है तो बाहर क्या करने गए थे? वजीर आजम साहब याद रखिए, वो कौम जो मकरूज हो, वो कौम जिस पर बैरूनी इलाकों के लोग हुक्मरान रहे हो। आपने सोशियोलॉजी में मास्टर किया हुआ है, मैं भी सोशियोलॉजी में PhD हूँ, अपनी तालीम को याद करो। जो कौम जिस पर बैरूनी लोग हुक्मरान रहे हो और जो मकरूज हो, वो नस्ली पाकिस्तानी और समाजी आजादी का दावा नहीं कर सकती। लिहाजा मैं ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर पास्टर विक्की को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ तमाम मुकदमा खत्म किया जाए और मसीहियों की गिरफ्तारी जड़ावाला में मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। खास तौर पर वो जो 5 मसीही गिरफ्तार हैं जिनमें एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है। अजीजों, जॉनसन नामी बच्चा 13 साल का, उसको भी तौहीन रिसालत में पकड़ा हुआ है। सब बोलिएगा जरा शेर। हमारे बाकी दोस्त भी अपनी राय का इजहार करेंगे, लेकिन मैं ये मुतालबा करता हूँ इसे वांग की तरफ से कि IG पंजाब और फैसलाबाद का DPO, जड़ावाला के SHO, फैसलाबाद के SHO, खास तौर पर थाना सदर के SHO और वो ऑफिसर जिसने बाइबल के मुताबिक नाजेबाल पास किए उस कहे उसे फौरी तौर पर मुलाजमत से मुअत्तल नहीं बर्खास्त किया जाए। उस लानती और मलाऊन को मुकम्मल तौर पर और फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए। और ये जो तफ्तीश है फैसलाबाद और जड़ावाला पुलिस से लेकर किसी आजाद इदारे बल्कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन
एप्लीकेशन टीम के जरिए की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जड़ावरा में परसों फैसलाबाद के अंदर जो अंधोनाथ वाकया पेश आया, हम आज उसकी मुदम्मत करने के लिए यहाँ जमा हुए। पंजाब पुलिस और सुच तौर पर पंजाब पुलिस के वो गुंडे जो फैसलाबाद में मुतय्यन है, उनकी मुजम्मत के लिए हम जमा हुए हैं, जिन्होंने दो नहतले मसलों पर ज़्यादा शफीक पर और लूक विक्टर तशद्दुद किया, उनको हिरासत में रखा, बेजा हिरासत में रखा और बिला इख्तियार उनको गिरफ्तार किया, उन पर बहिमाना तशद्दुद किया, उसकी हम मजम्मत करते हैं। आपको ये कोई हक नहीं पहुँचता कि एक पुरअमन क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसका पाकिस्तान बनने में भी रोल है, जिसका पाकिस्तान की जंगों में दफा के लिए भी उनका रोल है, हमारी कुर्बानियाँ मौजूद हैं, हमारे साथ ये सभी रवा रखा जाता है और जब भी मन चले लोगों का दिल जाता है वो मसीही बस्तियों पर हमला कर देते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो अपने तशद्दुद अपने जंगली जज्बात की तस्कीन के लिए रहने के लिए उसको हरासा करके उसको 11 दिन गैर कानूनी हिरासत में रख के 24 घंटे के बाद पानी का एक गिलास देते थे। जो बेचारा शुगर का एक मरीज है उसको बाथरूम में घंटों बंद किया गया और फिर तशद्दुद करके उससे ये बयान दिए गए। और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तानी मसीहियों के मुतल्लिक एक खतरनाक बयान जारी किया जाए कि ये तो सियासी तनाव देने के लिए उसके तरीके इस्तेमाल करते हैं। बाबरी की बेगुनाह है, हम यहाँ पर अल्ताफ खान की भी मजम्मत करते हैं जिसने अपने जाति मफाद के लिए या पुलिस के थ्रेट में आकर उसने इस किस्म के लेटर जारी कर दिए। मैं अल्ताफ खान से भी सवाल पूछता हूँ कि आपने जो 10 सवाल नई पंजाब पुलिस बना रही है, जब पादरी साहब ने बाइबल पे हाथ रख के कह दिया कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ जो लोग पादरी साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं वो भी कुरान शरीफ को लाके सूरह तौबा पे हाथ रख के और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहे कि पादरी साहब ने गोली चलाई है, जैसे पादरी साहब ने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाई है वो भी ऐसा करे तो फिर हम मानेंगे। क्योंकि अब ये धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि जड़ाले के वाकये के बाद मुल्क की जड़ें हिल गई हैं और जिन्होंने जड़ें हिलाई हैं वो अब सुलझाने के लिए तरह तरह के इल्जाम कृष्णों पे लगा रहे हैं ताकि जो है दुनिया जो है गुमराह हो जाए और पाकिस्तान की सांस बहाल हो जाए। लेकिन जो नफरत आपने सिखाई हुई है, जो नफरत आपने पढ़ाई हुई है, आज आप उसका आज उसको काट रहे हैं आप, इसमें हमारा कसूर नहीं। हम तो आपका बार बार कहते हैं कि इन जत्थों को पकड़े, लेकिन आप इन जत्थों को नहीं पकड़ते। अब जिस पुलिस वाले ने ये तोहीन किया बाइबल के मुतालिक, आप मुझे बताएं अगर उसको आईजी की एसपी की अगर हमारे इतना होती तो उसकी ये जरूरत होती? आप ये देखे 11 दिन तक उस बेगुनाह को बंद रखा और उस जज ने बजाय उसको जमानत देने के 2 दिन और उसको कस्टडी में वैश्यों के हवाले कर दिया। ये जुल्म है, ये जुल्म है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको कभी भी मीडिया से किसी क्रिश्चियन लीडर के बारे में जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी खबर आए तो यकीन ना कीजिएगा, ना मीडिया से ना पुलिस की। क्योंकि पुलिस ने पहले जड़ाले के बारे में कहा कि ये दुबई जाना चाहते थे, जब हमने आईजी का मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर उसने कहा ये आईएसओ उसके एजेंट है, इंडिया के रॉ के एजेंट है। और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। आज हम कराची प्रेस क्लब के सामने जमा है और अपनी निडर करते हैं कि वो कराची से चल के गए और पादरी विक्टर मिट्टी जो है उनके साथ जो 9 ट्रॉफियां पंजाब पुलिस कर रही थी उनको बेनकाब पूरा किया। इसके लिए हम लूक विक्टर को और गुजाला शफीक को सैल्यूट।
करते हैं, हमारा सलूट है उनको। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईजी पंजाब हमारे मसीहों के साथ 16 अगस्त का जो वाकया है, आज तक मुसलसल जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिन्होंने उसके फर्ज का सबब बने 24 घंटे तक उसको पानी नहीं दिया जाता था, उसको खाना नहीं दिया जाता था, एक शुगर का पेशेंट कहां तक बर्दाश्त करता, आज वो बेचारा फलज का मरीज हो चुका है। इसी तरह ये तो केस सामने आ गए, इसी तरह के हजारों केस हैं जो पड़े हुए हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई मुस्तफू आएगा, गजाला शफीक की तरह पहुंचेगा वहां पे, जो हमारे मसीहों को आजाद कराएगा, क्योंकि खुदावंद भी हमारा खुदावंद हमेशा दाड़ेगा, और जब वो दाड़ेगा तो ये तहस नहस हो जाएंगे जितने भी मसीहों में जुलूम करते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम यहाँ पे शुरुआत को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी शख्सी खानदानी और क्रिश्चियन दुआ में जड़ा वालों के मसीहों को सुसन और तमाम पाकिस्तानी मसीहों को याद करते हैं। मुझे आप कहीं पे लेके भी जा रहे हैं, मेरा बाइबल मेरे साथ होना चाहिए, जो उसका कानूनी हक है। कहा तेरे बाइबल की ऐसी की तैसी, इस पे तो हम पेशाब करेंगे। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, पास्टर गजाला शफीक के फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाएंगे, सारी वीडियोज ऑन रिकॉर्ड है। मैं उस क्रिश्चियन किलर जी से भी पूछता हूँ जिसने पास्टर विक्की को पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कहा जाता है कि एक मुलजिम वो इनोसेंट है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर वो इनोसेंट है तो किस तरह, अगर आपने जो अल्ताफ खान साहब है उसने किस तरह उनको जज से भी बर्तरफ किया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हुए उनसे उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिलवाई जो कोर्ट में नल एंड वॉइड है। मैं आपको करंट आपको अपडेट देता हूँ। मैं उसके बाद जो भी हमारे मौजूद दोस्त आए हुए हैं, लूक विक्टर साहब वो लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस के रवैये के खिलाफ पिटीशन देंगे, जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप साथ देंगे। उसके अलावा जो पास्टर विक्की और 5 लोग और जिसमें एक 13 साल का बच्चा जॉनसन भी है, उसके खिलाफ कोर्ट में पूरी वहाँ पे केस वो करेंगे, और जो अभी कर भी रहे हैं, और मंडे को हमारा जो वकील है वो भी आ जाएगा, और उसके बाद उसको हम प्रॉपर तरीके से लीगल वे में भी लिखेंगे। लास्ट जो चीज़ है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी माइनॉरिटी राइट्स मार्च, औरत मार्च, पास्टर गजाला शफीक लूक विक्टर की लीडरशिप में उनके साथ सू मोटो पिटीशन भी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस जलावाला इंसिडेंट में, क्योंकि ये जंग लंबी है, ये जंग छोटी नहीं है, आप सब लोगों का साथ चाहिए, और अगर ये साथ होगा तो सबको इंसाफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि वो आज की तबूरा है, वो आज की आस्तर है, अपने कौम के लिए वो यहाँ से निकली है। देखें मेरी बात सुने प्लीज, नारे ना लगाए, टाइम बहुत कम है। बताना चाहता हूँ कि पंजाब में कई ऐसे बड़ी माफी के साथ बड़े ऐसे पादरी साहबान भी हैं, बड़े सियासी लीडरान भी हैं, जो गवर्नमेंट के ताऊत बने हुए हैं, और एक वो उन्होंने एक मंसूबे के तहत तमाम मामला को दबाने की कोशिश करते हैं। उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई हया नहीं है, अपने कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। पादरी विक्की का जो मामला है, उसने सर के ऊपर बाइबल के सामने लोगों के सामने उसने कहा कि मेरे से जबरदस्ती बयान दिलवाए गए हैं, ये सोची समझी साजिश है, जिसे बाजी गजाला ने जो है आज की तबूरा ने और आज की आस्तर ने बेनकाब किया है। मां बुधानो तो जवा जेकी असाजी बाजी आए, जेकी असाजी धी आए, गजाला शफीक असाजी साथी आए, उस सिंध जी राली आए, उस सिंध जी
भेज दिया है। मैं पंजाब हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये खनाओं ने जो सिलसिले हैं, ये आप पे जो जूते के हिसाब साबित कर रहे हैं, मसीहों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कहना चाहता हूँ कि मसीहों का इत्बार इन लोगों पे नहीं रहा। आप जो है सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशल कमीशन बनाए, आप अपनी सरपरस्ती में साने चढ़ा वाला और पादरी विकी की जो है वो इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपनी सरपरस्ती में जो है वो करवाएं। बताना चाहता हूँ कि इलाके के एसएचओ ने उसको कुत्ता कहा, अरे दल्ला दल्ला कुत्ता तो कुत्तो तो तू ही तू चवी तो ही जब मानून साइलम वी बाहर जे मुल्क वन तुम्हारी जितनी क्यादत है पंजाब के जितने लोग हैं सारे पकौड़े अरे भागे हुए पाकिस्तान का एहसास तुम लोगों को नहीं है। मसीह कौम जो है वो मुहब्बे वतन है और पक्के पाकिस्तानी है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बी द लाइट इंटरनेशनल तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वेलकम करता है। हमारे साथ इस वक्त राजा खोखर साहब मौजूद हैं। हम शहर कराची में प्रेस क्लब पे आज क्रिश्चियन कम्युनिटी सड़कों पे सरापा एहतजाज है, आइए हम इनसे बात करेंगे। राजा साहब, सानिया जड़ामाला जो वाकया पाकिस्तान में हुआ, मसीहों के साथ ज्यादतियाँ हुई, हज़ारों चर्चिस जलाए गए, बाइबल मुकद्दस को जलाया गया, अब जो सिचुएशन करंट चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, पास्टर विक्की उनके साथ जो पुलिस ने बेईमाना रवैया रखा, उन पर तशद्दुद किया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें इस बात पे उकसाया गया कि आप अपने मुंह से ये अल्फाज बोलें कि मैंने अपने आप को ख़ुद को गोली मारी, जबकि जब मैडम गजाला शफी कमल साहबा वहाँ पर गई तो उन्होंने वहाँ पे जाके इस बात को क्लियर किया और पास्टर विक्की ने बताया कि मुझे टॉर्चर करके मेरे साथ इस तरह का रवैया हुआ और मुझे मनाया गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा जो साहब इस बात का दावा करता है कि मैं बाइबल मुकद्दस पे, खुदा माफ़ करे, कि मैं पेशाब करूंगा, आप इसके बारे में आप ख़ुद भी कानून को भी समझते हैं, तो आईने पाकिस्तान इसके हवाले से क्या कहता है? जी, मैं आप सबको मेरी तरफ से सलाम, जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी दिल से शुक्रिया अदा करूँ। और ये आज का पहला वाक़या नहीं है, 1995 से लेकर आज 2023 तक जितने भी वाक़यात हो चुके हैं सिर्फ मसीहों की आवाज़ को दबाया गया है। ये आप क्या समझते हैं जड़ा वाला पहला वाक़या है जिसमें मसीहों को जलील किया गया है, ख्वार किया गया है, अंजील मुकद्दस की बेरुमती की गई है, ये पहला वाक़या नहीं है। ये जो पास्टर विक्की साहब के साथ जो वाक़या हुआ है, ये इसके ऊपर हम दिल से शर्मिंदा भी हैं और इस पाकिस्तान में रहते हुए उन लोगों के लिए जो इन सब वाक़ियों में मुलव्वस हैं, हमारा ये मीडिया के पैनल से है और हम अपने जितने भी हमारे चैनल्स हैं उनके हवाले से हम एक आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जितने भी ये वाक़यात पंजाब में, सिर्फ ये पंजाब में ही होते हैं, जो मनोरिटी को दबाया जाता है, बल्कि दबाया नहीं जाता है, उनकी बेटियों को उठा ले जाकर उनके साथ ज़्यादतियाँ भी की जाती हैं, उनको मुसलमान भी किया जाता है, और अगर बाद में बात की जाए तो बोलते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से आई है। देखिए, बात यह है कि पास्टर विक्की साहब को जो शूट लगी, गोली लगी, मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताऊँगा कि पास्टर विक्की को जो गोली लगी उसमें पास्टर विक्की का कोई किरदार नहीं है। ये पाकिस्तान रहते हुए हमें दुख से देखना है। देखिए, हमारे बाइबल मुकद्दस में भी ये चीज़ लिखी गई कि हम सताए जाएंगे, तो हम ये सताए जा रहे हैं, पर अब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस चीज़ का बरतूज जवाब देंगे कि आप जितने भी हमारे साथ जुल्म से करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे को कहीं कोई सा भी पैनल, कोई सा भी ऑफिस, बेशक हुआ वो गवर्नर हाउस हो, वो पीएम हाउस हो, इस्लामाबाद हो, हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि पास्टर विक्की के ऊपर आप तशद्दुद करके हमें आप दबा सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। पास्टर विक्की ने भी बाजी गजाला को भी वहाँ पे वाज़ह तौर पे ये चीज़ बताई गई कि मुझे प्रेशराइज करके, दबा के, मार के, कूट के, सब चीज़ें ये मेरे को बलवाई गई हैं। तो पुलिस के हाथों में जब जो भी होता है, वो कितना भी बड़ा बहादुर क्यों ना हो, वो जो पुलिस बोलती है वही बोला जाता है। हम पंजाब पुलिस को इस चीज़ के लिए
दिली तौर से इस चीज़ के ऊपर आधार करेंगे कि पंजाब पुलिस जो रवैया मसीहियों के साथ रखती है वो आज का नहीं है। पंजाब पुलिस को, आईजी पंजाब को हम वाजे तौर पर यह बताना चाहेंगे कि मिनोरिटी आप क्रिश्चियंस को अगर आप दबाना चाहते हैं, जेलों में डालना चाहते हैं तो दिले दिल से डालें। आप ये नहीं समझें कि हम लोग आपकी आपके प्रेशर से, आपकी FIRों से, आपकी मार कुटाई से हम डरेंगे। तो आप लोगों को ये हम इस मीडिया के तौर से बताना चाहते हैं कि आप लोग अब ये बस कर दें। अब क्रिश्चियन आवाम जाग चुकी है, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जो आप रवैया हमारे साथ रखेंगे हम उसका जवाब देंगे। बिदलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न शहर कराची से इस वक्त आपको आगाह करता चले कि पाकिस्तान में मसीहों पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आइए हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक खातून मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बहन, हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान में मसीही कौम के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो सानिया जनावाला में हुआ, पादरी विक्की के साथ जो जुल्म हुआ, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सुमेरा महंगा बात कर रही हूँ, बैतुल मोमिनीन चर्च से हूँ और सुल्तानाबाद की मेरी रहायश है। मैं बात यही करना चाहूँगी कि विक्की भाई के साथ, पास्टर गजाला के साथ और आलोक भाई के साथ हुआ है, जो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बुरा ही हुआ है। वो अपने लोगों के लिए ही भला करने के लिए गए। कहते हैं जो अपने शहर से दूसरे शहर जाएँ उनके साथ मेरे ख्याल से इस तरह तो नहीं की जाती बेसलूकी, बदतमीज़ी की तरह नहीं पेश आया जाता। लेकिन अब हम तो क्या कह सकते हैं, खुदा हमारे जो लोग गए हुए उनको इंसाफ दे और हमारी भी ये दुआ है कि उन लोगों को भी खुदा अक्ल और दनाई दे ताकि वो उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए और उनके साथ अच्छे तरीके से रहे। वो अपने ही लोगों के लिए गए हैं, वो किसी बुरा भला करने के लिए कुछ भी नहीं गए। लेकिन अब उनकी क्या सोच, क्या ख्याल है, हम तो नहीं कुछ कर सकते, खुदा से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी यही दुआ है कि जो गए हैं सब कुछ करने के लिए खुदा उनकी भी हेल्प करे और जो कर रहे हैं उनके साथ बदतर से बदतर खुदा उनको अक्ल दनाई फहम से मामूर करे कि वो हमारे लोगों के साथ इस तरह ना करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पास्टर नाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। बहन, आप ये बात बताएं कि बहैसियत एक खादमा, एक लेडी पास्टर, बाइबल मुकद्दस को मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंग टू दी बाइबल ये पाकिस्तान में जो मसीहों पे जुल्म हो रहे हैं, आप इसके बारे में मसीही कौम को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहते हुए मैं पास्टर नाजिया सरदार आपसे मुखातिब इस बात के लिए कि जो जुल्म पाकिस्तानी मसीहा कौम पर हो रहा है ये बहुत दर्दनाक है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जुल्म कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। रोशनी और फजल के दौर में इसे कम होना चाहिए। हम मसीही लोग जितना मसीहत को प्रीच कर रहे हैं, मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, उतना ही जुल्म हमारी कौम पर ज़्यादा हो रहा है। मैं अपनी गॉड मदर पास्टर गजाला शफीक के लिए बड़ी दुआगो हूँ। खुदा ने अपनी बेटी को इस वक्त शेर बब्बर की तरह इस्तेमाल किया है। वो पास्टर जो वहाँ गए, कुछ बातें सुनी, कुछ पुलिस वालों की तल्ख बातें सुनी, कुछ उनके अंदरूनी फैसले थे जो वहाँ के पुलिस वालों ने पास्टरों से किए, वो वहाँ से भागे और वापस वहाँ नहीं गए। पास्टर गजाला सब कुछ जानती हुई कि वहाँ कोई नहीं आया, वहाँ गई और उस सारे केस को ओपन करने के लिए खड़ी हो गई। हमारी दुआ है, खुदा ने अपनी बेटी को हमेशा फतह बख्शी है, इस बार भी फातह हमारे मसीह नाम से पास्टर गजाला लेकर आएंगी। आमीन। बहन, हमारा दूसरा सवाल यह है कि बहैसियत एक क्रिश्चन, बहैसियत एक मसीह खातून, क्या आप मुल्क पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझती हैं या गैर महफूज समझती हैं? देखें, क्रिश्चन तो कोई भी महफूज नहीं, वो बहैसियत खातून हो या कोई मर्द हो, कोई भी जिसके नाम के साथ मसीह आ गया वो महफूज नहीं, क्योंकि जंग यहाँ मसीह के नाम की है। अगर मैं आज मसीह का इनकार कर दूँ तो यही कौम सारी मुझसे भी प्यार करेगी। लेकिन जंग जो है वो हम इंसानियत की नहीं है, जंग मसीह के नाम की है और मसीह के नाम में जो जंग है ये हमेशा फतह होती है। शरीयत इसकी गवाही देती है, नहीं यकीन तो बाइबल खोल के पढ़ के देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ समाजी शख्सियत
अनोश अनार साहब मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अनोश साहब, इस वक्त पूरी दुनिया इस बात के पीछे लगी हुई है कि आया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हालात हैं। आप बहैसियत एक पाकिस्तानी मसीह पाकिस्तान में इन हालात के बारे में, जो जड़ावाले में वाक़यात हुए, जो भी सारे सिलसिले हुए, ज़्यादतियाँ हुई मसीहों के साथ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे अपने जलाल और अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। और आज आपके तफलसल से जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आपने बात की इमेज की, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो दुनिया देख रही है जो मजाक क्रिश्चियनिटी के साथ जिस तरीके से बनाया जा रहा है, उनको रोंदा जा रहा है, जलील किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी आपको पता है एंटी क्राइस्ट की जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमें शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में जो 1995 के बाद से जो हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, आज तक उन ज़्यादतियों, जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं उसके अंदर आज तक हमें कभी इंसाफ नहीं मिला। अब ये ज़्यादतियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये हमारे घरों से, चर्चिस से हटकर अब ये पर्सनली हमारे जो मसीही लीडर्स हैं ये उन तक पहुँच गई है। और इसके अंदर जो मेन जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो हमारी जितनी भी सियासी तंजीमें या मजहबी तंजीमें जो भी इखलाफात रखती हैं कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ये धरती है, हमारी माँ है, और रियासत जो होती है वो माँ का दुपट्टा होता है। और मैं आपको ये वाजे बता दूँ कि रियासत ने क्या किया हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने गैर इखलाकाना हमारे साथ रवैया रखा है, हमारे साथ सुतेले बच्चों वाला सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। ये तमाम तर रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले, चाहे वो जस्टिस चीफ जस्टिस हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, या वो पार्लियामेंट सेनेटर और जितनी भी छोटे मोटे आपके डिपार्टमेंट्स और तंजीमें हैं, ये मैं आपको बता दूँ हमारे साथ गैर, ये जो अपना आपका जो रवैया है, जो जिस तरीके से आप क्रिश्चियनिटी को दबा रहे हैं, जिस तरीके से आप क्रिश्चियनिटी के साथ जुल्म ढा रहे हैं, ये खुदारा इसको बंद करते हैं। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी, इस मुल्क की जो सबसे वफादार और खैर ख्वाह रखने वाली जो कौम है, आप उनके साथ ज़्यादतियाँ बंद करें आप। लिहाजा हम उस कौम के लोग हैं जो हमेशा माफ़ करना जानते हैं, और हम जाने, हमें जान लेना नहीं आती है सिर्फ, हमें जान देना आती है। क्यों? क्योंकि हमारे मसीह ने हमारे लिए जान दी और एक मिसाल कायम की, तो हम जान देने से डरते नहीं हैं मसीह के नाम से। लेकिन मैं बता दूँ जो आज हमारे साथ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ रवैया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हमारे जितने भी छोटे चर्चेस, बड़े चर्चेस, एनजीओस, मिनिस्ट्री, इन सबको चाहिए कि अपनी अपनी दुकानें बंद कर दें और एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएं जो कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट का झंडा हो, उसके नीचे आके खड़े हों। तब हम अपने जितने भी मुज़ाकरात, मामलात और अपने जितने भी हमारे, जितने भी हम जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हम तब तक नहीं मनवा पाएंगे जब तक हम एक ना होंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर पे आपके चैनल से, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि खुदारा पास्टर विक्की के लिए दुआ करें, उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मसीहत में अभी भी अटके हुए हैं, और खुदा का शुक्र है कि वो अपने कलाम के साथ अभी भी इंसाफ कर रहे हैं। और तमाम लोगों को खास तौर पे, वंस अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल द एजेंसीज एंड द पार्लियामेंट, प्लीज़ टेक एक्शन। थैंक यू। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविजन तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता है। हम शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। मेरे साथ जो इस वक्त खातून मौजूद हैं, पास्टर शफीक कमल साहब की बेटी, मैडम गजाला शफीक साहबा की बेटी हैं, ये उनकी साहबजादी हैं, ये सीजल शफीक साहबा, आई हम इनसे बात करेंगे। मैम, आपकी वालदा मोहतरमा पास्टर शफीक कमल साहबा कराची से वहाँ जड़ावाले जाते हैं, उनके साथ पुलिस वालों का जो नारवा सलूक, नारवा रवैया, उन्हें गालम गलोच और कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज से उन्हें नवाजा जाता है, ऐसे अलकाब उन्हें दिए जाते हैं जिससे पूरी मसीह कौम की तजलील होती है। पास्टर विक्की साहब के हवाले से जो उन पर जुल्म सितम हुआ, जो पुलिस ने उस मामले को दबा के रखा हुआ था, जब वो खुदा की खादमा, वो खातून बहादुर औरत वहाँ पर जाती है, तो
उस सारे मसले को वो वहाँ पे क्लियर करती हैं। तो जो उन पे जो जुल्म हुआ, यहाँ पे SHO साहब ने भी बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मराइल में से गुजरना पड़ा। आप अपनी मसीह कौम को, मुस्लिम कम्युनिटी को, पंजाब पुलिस को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब लोग तुम्हें लानतान करेंगे और तुम्हें परसिक्यूट करेंगे तो तुम मुबारक होगे। तो इस वक्त मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी मामा बहुत मुबारक हैं कि उनको अगर गालियाँ सुननी पड़ी या लानतान होना पड़ा तो वो मुबारक हैं बाइबल के मुताबिक। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ सबसे पहले तो, और मैं उनको सताने वालों के लिए बरकत मांगती हूँ कि खुदा उन्हें बरकत दे और अपनी पहचान बख्शे। और दूसरी बात ये कि पंजाब पुलिस के इस रवैये को हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें, क्योंकि पंजाब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। सिंध पुलिस फिर भी शायद जो है लाख गुना बेहतर है, पर पंजाब पुलिस हमने पास्ट में देखा है कि वो कोई रूल्स और लॉ कुछ फॉलो नहीं करती, जो चादर और चार दीवारी का ही एहतराम नहीं करते। आपने देखा कि वो पास्टर विक्की के घर में किस तरह घुस के बैठे हुए थे अंदर, ना उनकी बीवी का ना उनकी बहनों का किसी का एहतराम नहीं, तो उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो जब वो यहाँ से रुखसत हुई थी तभी उनको पता था कि पंजाब पुलिस का क्या रवैया होगा, हमें पहले से उम्मीद थी कि यही रवैया होगा और वही हुआ जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने मुसीबत से भी निकाला और इस ऑर्डील के ज़रिए जो है दुनिया के सामने ट्रुथ आया और पास्टर विक्की की स्टोरी दुनिया तक पहुंची कि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है और ऊपर से उनको ही दबाया जा रहा है और उनको ही विक्टिम को अक्यूज़ बना दिया गया है। ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी है कि एक विक्टिम को अक्यूज़ बना दिया गया है और जो उनकी हालत है वो आप सबने देख ली है। तो मैं अपील करूँगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो सुओ मोटो एक्शन लें और ये जो बच्चे जो छोटे लोग हैं, ये जो 13 साल का बच्चा इलीगली डिटेंड है, इसको किस उसमें रखा जा रहा है? ये तो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, ये जॉनसन मसीह की तस्वीर है, ये 13 साल का बच्चा है, तो ये क्यों रखा जा रहा है, इसको क्यों कैद किया जा रहा है? और ये जो क्रिश्चियन 5 जो डिटेंड है, इलीगली डिटेंड है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, किस लॉ के तहत किया जा रहा है? इनको रिलीज़ किया जाए, पास्टर विक्की को रिलीज़ किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। थैंक यू मैडम। हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आईने पाकिस्तान भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर कोई शख्स बीमार हो, चाहे उस पर अभी जो मुकदमा चल रहा है, चाहे वो मुल्ज़िम है चाहे वो जो है मुजरिम है, सज़ा देना जो है कोर्ट का काम है। लेकिन वो पास्टर विक्की अपनी ज़ुबान मुबारक से खुद फरमा रहे हैं कि मुझे 2 बार मैं हाइपोग्लिसीमिया में गया, मेरी शुगर लो हो गई, मुझे अटैक हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने कोई ऐसी दादरसी नहीं की। आप जो है इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं? देखें, पंजाब पुलिस में इंसानियत तो है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग हो रही होती है ना, उनको सिखाया जाता है कि इंसान को इंसान नहीं समझना, जानवरों के साथ जो सलूक होता है ना, बल्कि जानवरों के साथ भी नहीं, हम अच्छे इंसान जो है वो जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं करते जो अच्छे लोग होते हैं, उससे भी बदतर सलूक जो है इंसानों के साथ पंजाब पुलिस करती है। पंजाब पुलिस नहायत ही अफसोसनाक रवैया उन्होंने दिखाया है इस सारे वाक़े में, और पास्टर विक्की के साथ जो सलूक किया गया है वो आप सबके सामने है, और उनसे हम किसी हमदर्दी और किसी इंसानियत की उम्मीद नहीं रखते पंजाब पुलिस से। इसीलिए हम चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि वो खुद नोटिस लें और हमें इंसाफ दें। मैडम, आपकी मामा भी आपको देखती होंगी, ये पूरी दुनिया देखती होगी, आप अपनी मामाओं को, कौम की उस बहादुर बेटी को, लेडी पास्टर गजाला शफीक कमल साहबा को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज उनको यही दूंगी कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम उनकी मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए इसके लिए भी ब्लेस्ड हूँ, और वो मुबारक हैं कि वो खुदावन के नाम की वजह से उन्होंने वो सताई गई और दुख उठाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। उसको वेलकम करता है। इस वक्त हम शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, CPA क्रिश्चियन पीपल अलायंस के प्रेसिडेंट, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बी दी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको वेलकम करता है। आप हमें बताएं, अपनी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आगाह करें कि ये जो वाक़या जड़ावाला में हुआ, मसीह कौम के साथ जुल्म सितम ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पास्टर विक्की के साथ जो सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैडम गजाला शफीक कमल साहब आपने शहर छोड़कर वहाँ गई, खुदावन ने उन्हें इस्तेमाल किया, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? खुदावन के नाम से शुक्रता हूँ और उसके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह के फैसलाबाद में जड़ावाला का वाक़िया हुआ और जिस तरह अभी पास्टर विक्की के हवाले से
खासकर गजाला शफीक वहाँ पर मौजूद गई, जो बर्बरियत वहाँ पर पंजाब पुलिस की जानिब से की गई। और इस पर मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप पूरी मसीह कौम को इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह से मसीहों की एक बेटी के साथ अगर बर्बरियत की जाती है और उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि देखो, मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमारे ये हकूक हैं और आईन दस्तूर मुल्क पाकिस्तान का आईन हमें ये हक देता है कि मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं मसीह हूँ, मगर तंग नज़र लोगों के नज़दीक ये चीज़ छुपती है। मगर मुल्क पाकिस्तान जो हक हमें देता है उसके बरक्स हमारे चर्चिस में, हमारे इदारों पे जिस तरह से हमलावर होने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून कहाँ है, लॉ कहाँ है, कानून क्यों बेबस हो जाता है? आज अगर गजाला शफीक पास्टर विकी के साथ वहाँ मौजूद थी और उनके साथ जो सलूक किया गया, तो कानून कहाँ है? मतलब कानून एक ऐसी कठपुतली हो चुका है कि जो किसी के बस में नहीं है। क्रिश्चियन पीपल अलायंस की जानिब से कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट होने के ऐसे से मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह कौम को इस सहनिया पे अपने घरों से, अपनी गलियों से, अपने इलाकों से, अपने शहर से इस बात पे एहतजाज करना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है उसको हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि देखें, जिस तरह के आपके चैनल के तवस्सुल से मैं आपकी कौम से ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप डरेंगे, जब तक आप झुकेंगे या आपको और झुकाएँगे और आप डरेंगे, और खौफ में रहने से यह होगा कि अपनी आने वाली नस्ल को आप कुछ दे नहीं सकेंगे। खौफ के अलावा आपको अपनी आने वाली नस्ल को दलेरी देने के लिए, सियासी शऊर, सियासी अदम इस्तेकाम देने के लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि मुल्क पाकिस्तान को बनाने में मसीहों का जो किरदार रहा है, सूबा पंजाब के हवाले से देखें कि सूबा पंजाब मुल्क पाकिस्तान में उस वक्त हिस्सा बना है जब मसीहों का वोट डालने से ही मुल्क पाकिस्तान के अंदर पंजाब उसका हिस्सा बना है। तो मैं गुजारिश करूँगा मसीह कौम से कि आप इस चीज़ को सोचें और अपने किरदार को अदा करें और अपनी बहन बेटियों के खिलाफ जो मामलात, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि सूबा पंजाब के आईजी साहब, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही हौलनाक वाकया है कि एक सिंध की बेटी के साथ जो पास्टर विकी के पास गई और उनकी अयादत करने के लिए गई, उनके साथ ये सलूक किया गया, वो बहुत ही नारवा सलूक है। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं BTL चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि वो यहाँ आए, अपनी कौम परस्ती का सबूत दिया और यहाँ आके शरीक हुए एहतजाज में। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी लीगल पॉइंट पे बात करूँगा कि ये पाकिस्तान के कानून के साथ तो रोज़ हम देखते हैं गलियों में, चौराहों में मजाक होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा तमस्करा उड़ाया गया कानून का कि एक शख्स जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेनेंट है, उसी को जो है ना मुलजिम बना दिया गया और उसी के ऊपर वही 324 की जो FIR थी, जो उसने खुद कटवाई थी कि उसके ऊपर फायर किया गया, उसको उसी FIR के अंदर नामजद कर दिया गया। तो ये खुलेआम बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो है ना एक जो ऐसा अदारा है हमारा, जिसका मैं नाम भी नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो रात को मेरे घर पर वीगो आ जाएंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे, वो इदारा मोनिटराइज़ कर रहा है और वो इदारा ही पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो आप ये देखें कि एक शख्स मुद्दई है, वो अपनी फरियाद ले के जा रहा है, वो बता रहा है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, और उसको उसी FIR के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जब उसके पीछे हमारी बहन गजाला जाती है, हमारे दोस्त वकील साहब जाते हैं, तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनके फ़ोन छीने जाते हैं, और उसके बाद उनको मतलब उनके साथ हाथ दराजी की जाती है, जेंट्स पुलिस वाले उसके साथ मैन हैंडलिंग हो जाती है। तो ये सब क्या है? तो मैंने पहले भी यही बात कही कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम GA सिंध वाला रवैया रखें, या दूसरी ऐसी जो कौम परस्त जमातें जो आज भी पाकिस्तान में रह के आज़ादी के नारे लगाते हैं, वो समझते हैं कि आज तक हम आज़ाद नहीं हैं, हम भी यही समझते हैं, लेकिन हम अपने यसू की तालीम के मुताबिक चलते हैं, सुलह सलामती वाली बात पर चलते हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि कोई और हम रास्ता इख्तियार करें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। मैम, हमारा सवाल आपसे यह है जी कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से मसीहों पे जुल्म व सितम हो रहे हैं, ये जो वाकया पास्टर विकी के साथ जो ज्यादती की पंजाब पुलिस ने फैसलाबाद ने जड़ांवाला में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मसीह में सबको रूद प्रस्तर का सलाम। मैं बैतल चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि 16 अगस्त से जो सिलसिला, जो वाकियात का सिलसिला शुरू हुआ,
ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारी कौम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, झूठे केसेस से, झूठे बातों से, और पास्टर विक्की के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। जबकि इतना बड़ा वाकया हुआ, हमारे चर्चेस को जलाया गया, इसके बाद तो हमारी गवर्नमेंट को इस तरह एक्शन लेना चाहिए था कि उसके बाद से तो कोई इस तरह का वाकया, इस तरह का केस सामने आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ हम कहते हैं कि हमारे मोहतरम पास्टर को इस बात का भी निशाना बनाया गया, हत्ता कि उन पर गोली चलाई गई, और सिर्फ यही नहीं, उन पर ही झूठा केस बनाकर और उन्हें कहा गया कि आप गवाही दें अपने बारे में कि आपने ही ये सब किया। और हम बड़ी अफसोस से ये कहते हैं कि हमारे पास्टर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि अब उनकी हालत देखकर जब वीडियो देखी तो आंसू आ गए कि किस तरह हमारे पास्टर के साथ किया गया। हमारे जो मोहतरम पास्टर, हमारे जो लीडर हैं, हमारे कौम के, हमारे चर्चेस के, चाहे फैसलाबाद में हो या कहीं भी, हम तमाम चर्च हमारे मसीही कौम के साथ होते हुए हम एक हैं, वो जिस भी चर्च के लीडर हों, लेकिन वो हमारे लीडर हैं। और उनके साथ ये किया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके घर में पुलिस वाले रहे और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। मैडम गुजाला जब वहाँ गई, उनके साथ भी हाथा पाई की गई और बड़े ही मैन हैंडलिंग करके उनको रुसवा किया गया। और उनकी जो पास्टर विक्की की जो बीवी थी, उनकी बेटियाँ जवान, उनके घर पे, वहाँ पे ही उनके घर में पुलिस वाले रुके। और बहुत ज़्यादा हम अफसोस का इजहार करते हैं, ये वाकया कब तक चलते रहेंगे, ये चीज़ें कब तक होती रहेंगी नहीं मालूम हमें, जब तक हमारे लीडर्स जो हैं उठ खड़े नहीं होंगे। अभी हमने यहाँ पर जब प्रोटेस्ट किया तो दिल दुख रहा था कि हमारे सारे गवाही, जितने भी हमारे इंटरनेशनल टीवीज़ हैं, क्रिश्चियन टेलीविजन्स हैं, वो कहाँ पे थे सारे। इस वक्त उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था क्रिश्चियंस की सपोर्ट बनकर, जो अपने चर्चेस में गवाही देते हैं कि हमारे जो चैनल्स हैं वो इंटरनेशनल हो चुके हैं, तो वो क्यों नहीं आए इस वक्त, क्यों नहीं गई हमारी अब तक आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया पे। और हम बहुत ही अफसोस के इजहार करते हैं, यकीनन हम लोग आंसुओं के साथ रोते हैं इस बात के लिए कि हमारे चर्चेस के साथ क्या किया जाता है। और हम अपने कौम से और अपने तमाम लोगों से अपील करते हैं, अपने तमाम देखने वालों से अपील करते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि अगर हमारा मुल्क नहीं सुन रहा तो उसे कोई और टेक ओवर करेगा। लेकिन बेहतर ये है हमारे लिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें तहफ़्फ़ुज़ करें, हमें सेफ़ फील हो यहाँ पर रह के। एक लड़की होते हुए जब हम बाहर जाते हैं, या अपने बच्चों को जब हम कहते हैं डर के मारे, उनसे हम यही कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसे नहीं कीजिएगा, उसे कंटिन्यू ही नहीं रखिएगा, उस टॉपिक को वहाँ से हट जाइएगा। लेकिन ये किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ है हमारे मुल्क में, हम दरख्वास्त करते हैं अपने गवर्नमेंट से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। मैम, हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप बहैसियत क्रिश्चन पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझते हैं या गैर महफूज समझते हैं? बिल्कुल नहीं, जिस तरह के आपका सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और उसने एक अपने मुस्लिम फ्रेंड को कुछ बात कही जो मुझसे शेयर कर रहा था, और उसको मैंने उसी वक्त डांट दिया। मैंने कहा नहीं बच्चे, आपको ऐसा नहीं करना, हमारा जो मसीह है, हमारा जो हमारा इतना खूबसूरत मज़हब है, जिसे हम मज़हब भी नहीं, हम इसे रिश्ता कहते हैं खुदा के साथ, ये हमें नहीं सिखाता कि हम किसी के मज़हब के बारे में ऐसा बोले या किसी के साथ इस तरह की कन्वर्सेशन करें। तो जब हमारे साथ होता है तो हम किस तरह इस मुल्क में सेफ फील कर सकते हैं? एक लड़की होते हुए मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे बच्चे और हमारे जितने भी मेरी उम्र की जितनी लड़कियाँ हैं खास तौर पर, वो बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इस मुल्क में, चाहे वो लड़कियाँ हों किसी भी कौम से हो, और मसीही होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह के हालात सामने चल रहे हैं। शुक्रिया मैम। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहती हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरा मुतालबा ये है कि हमारी जो केसेस चल रहे हैं सारे प्रोसिक्यूशन के और झूठे इल्ज़ाम के, उनके अच्छे से तफ्तीश की जाए, और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दी जाए, ना कि पूरे कौम को, ना कि पूरे जो कौम का जो इंतज़ाम होता है उसको बरकरार रखा जाए। और इस तरह के जितने भी वाक़िया हैं उनकी पुरज़ोर मजम्मत करते हुए हम अपनी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जितने भी इसमें शामिल हैं उनकी अच्छे से तफ्तीश की जाए। अब देखें, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में एक 13 साल का बच्चा वहाँ पे मौजूद है। क्या ये हमें हमारा मुल्क अलाउ करता है, या हमारा लॉ हमें अलाउ करता है कि हम 13 साल के बच्चे को वहाँ जेल में रखें? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ टेक ओवर किया जाए, हमारे गवर्नमेंट से हम इल्तमास करते हैं, और यही मेरा ही मुतालबा है अपनी गवर्नमेंट से। थैंक यू। लाइट इंटरनेशनल टेलीविजन तमाम हमारे व्यूवर्स को सलाम पेश करता है। इस वक्त मेरे साथ पास्टर दाऊद नासिर साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। पादरी साहब, बहैसियत खादम अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये जो पाकिस्तान में मुस्लिमों के ज़ुल्म व सितम हो रहे हैं,
इस हवाले से अपनी मसीह कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? खुदाम यसु मसीह के अजीम पाक मुकद्दस जलाली नाम में तमाम सुनने वाले मसीहों को और तमाम पाकिस्तानी दर्द रखने वाले मसीहों को और तमाम जितने भी मुल्क में बसने वाले लोग हैं उन सबको मसीह की ज़ात में बहुत सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चैनल पर आकर अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकें। उसकी सबसे बड़ी आपको मैं खुदावंद यीशु मसीह की एग्जांपल देता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सरदार काहिन ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच कहता हूँ तो तू मुझे मारता क्यों है? तो जहाँ तक बात रही हम यहाँ पर प्रेस क्लब में आज यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ सवाल करने आए हैं कि पास्टर विक्की के साथ क्यों ज़्यादती की गई, क्यों उसके घर के अंदर गैर कानूनी तौर पर गैर इखलाकी तौर पर कुछ पुलिस के नौजवान जो हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, उसकी फैमिली है, उसके घर वाले हैं। तो किसी भी तरह का इखलाकी जवाज़ नहीं बनता, ना ही कानूनी जवाज़ बनता है। अगर पुलिस वाले प्रोटेक्शन देते हैं तो घर के बाहर रह के प्रोटेक्शन देते हैं, घर के अंदर घुसकर कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देते। और रही बात जहाँ तक सानिया जड़ावाला की है तो वो जो हुआ उसके बारे में तो पहले बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बातें हो चुकी हैं। रही बात हम इसको जब बाइबली तनाजुर में देखते हैं तो हमारा हक बनता है। फिर जब हम पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की बात करते हैं तो पाकिस्तान का लॉ जो है हमें इजाज़त देता है कि हम अपने जमहूरियत हमें हक देती है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और अपने हक के लिए बात कर सकें। और जहां तक बहन गज़ाला हैं उनके लिए मैं उनकी जुर्रत को दाद देता हूं। काबिल तहसीन है उनका ये कदम कि पूरे फैसलाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी लीडरशिप है, लेकिन कोई भी उस बंदे के साथ हुई हुई जुल्म और ज़्यादती की आवाज़ नहीं बन सका। कराची की एक बेटी गई है वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर जाकर इस आवाज़ को, इस सदा को बुलंद किया और इस शख्स के लिए हौसला अफजाई और उसके दर्द पर मरहम रखने का सबब बने। सो रही बात उनकी, पास्टर विक्की की और ब्रदर लुक हैं उनके साथ जो पुलिस का गैर नारवा सलूक है, उन्होंने जो ज़्यादती की है इसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात के लिए हम मसीह बहसियत पाकिस्तानी नाला भी हैं। हमें दुख भी है, अफसोस भी है कि अगर माँ ही बच्चों के साथ जुल्म व सितम कर देगी, माँ ही बच्चों के साथ ज़्यादती करेगी तो फिर बच्चे किस तरफ जाएंगे? पुलिस इदारा, अदलिया, चीफ जस्टिस और जितने भी हमारी यहाँ पे रियासती इदारे हैं वो सब हमारी माँ की तरह हैं और अगर माँ ही अपने बच्चों के साथ जुल्म करना शुरू कर देगी तो फिर बच्चे किस तरफ जाएंगे? और रही बात आईजी पंजाब के लिए तो उनके लिए हम बिल्कुल दरख्वास्त करते हैं उनके कि उनको हमारे जितने भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, पंजाब की गवर्नमेंट है, वो उन्हें इस बात पर पाबंद करें कि वो इस तरह की नामुनासिब बयानात और ये तीन तीन चार चार किस्म के बयानात और उस पूरे मामले को गड़बड़ करने जैसा हथकंडा ना करें बल्कि बड़े इंसाफ की और सच्चाई के रूह से आप उसका इंसाफ करें। और जहां तक पास्टर विक्की के साथ ज़्यादती की बात है वो बहुत जुल्म है, किसी भी इंसान को हक नहीं पहुंचता ना इदारे को कि वो किसी के साथ भी ज़्यादती करें। और बहन गज़ाला और ब्रदर लुक जो हैं उनके साथ भी जो इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर गैर कानूनी रवैया अपनाया गया उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और तमाम अदलिया से और आला हुकूमत से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुदारा हमारी मसीह कौम के इस ज़ख़म पर मरहम बने, इस ज़ख़म को कुरेदे मत, क्योंकि ज़ख़म जब कुरेदे जाते हैं तो उसकी और दर्द और तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ ना दें कि जो हमारी कौम के लिए एक ऐसा ज़ख़म बन जाए जिसे हम सदियों मुद्दतों भी भुला ना सकें। खुदा आपको, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे जितने भी इदारे हैं उन सबको सआदत अता फरमाए कि आप इंसाफ मुहैया करें। खुदा आपको बरकत दें। सर, हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि पास्टर गज़ाला शफी कमल साहबा, लुक साहब जो एडवोकेट हैं और पास्टर विक्की साहब के लिए कोई ख़ास मैसेज आप अकॉर्डिंग टू बाइबल कन्वे करना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं बहन गज़ाला और पास्टर विक्की और ब्रदर लुक के लिए बिल्कुल उनकी हौसला अफजाई के लिए बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जब हक पर और सच्चाई पर लड़ने वालों के साथ जुल्म भी हुआ है, ज़्यादती भी हुई है और उन्हें जुल्म का शिकार भी बनाया गया। लेकिन खुदावंद के फजल से बाइबली तारीख गवाह है, इंसानी तारीख गवाह है कि जब जब ना इंसाफ़ी बढ़ी है तो इंसाफ का बोलबाला ज़रूर हुआ है। और जो ज़्यादती आपके साथ, पास्टर विक्की के साथ, बहन गज़ाला के साथ और ब्रदर लुक के साथ हुई है और खुदा के फजल से खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर इस मुल्क में कोई ना कोई ऐसे इदारों में ऐसे ज़रूर लोग बैठे हैं। हम ना उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी कि वो इस चीज़ को, इस हक पर लड़ने वालों का इंसाफ कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बीती
लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न हमारे तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता है। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, पास्टर शाहिद अनवर साहब हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। खुदावंद के जी नाम में पादरी शाहिद को आपको सलाम पहुंचे। मैं आज खास तौर पर एक बार फिर यहाँ पर आया हूँ कि हम अपने भाई के साथ एक जदीद शो कर सकें, पास्टर विक्की के साथ, बाजी गजाला लू पिटर के साथ, क्योंकि वहाँ पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम मसीह पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड वी लव पाकिस्तान, लेकिन हमारे साथ जारी सलूक किया जा रहा है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.